नमस्कार, आप देख रहे हैं टाइम्स न्यूज़ और मैं हूं आपके साथ कंचन। टोकन क्षेत्र के ढक्कनवाला कुएं पर स्थित हंस ट्रैवल्स के स्टाफ पर द्वारा पुलिसकर्मी से मारपीट के मामले में पुलिस ने 3 आरोपियों को पकड़ा है। आरोपियों ने एडिशनल DCP जोन 2 में पदस्थ पुलिसकर्मी की बुरी तरह से पिटाई कर दी थी और पुलिसकर्मी को सड़क पर जमकर पीटा था। घटना दुकोगंज थाना क्षेत्र के ढक्कन वाला कुआ की है। ये हंस ट्रैवल्स की बस रोड पर खड़ी थी, जिसे हटाने को लेकर पुलिसकर्मी राम बाबू का विवाद हुआ था। दरअसल राम बाबू राजपूत DCP जोन 2 में ऑफिस में आरक्षक के पद पर पदस्थ है। राम बाबू अपनी बाइक से गीता भवन होते हुए ढक्कन वाले कुएं की तरफ जा रहे थे। इस दौरान गीता भवन पर मुड़े तो हंस ट्रैवल्स के ऑफिस के पास बस रोड पर खड़ी थी। इस दौरान रोड पर जाम लगा था। बस ड्राइवर को बस साइड में करने के लिए कहा तो ड्राइवर बस बहस करने लगा और साथियों को बुलाकर डंडे और लाठियों से राम बाबू की पिटाई कर दी, जिसका वीडियो भी सोशल मीडिया पर वायरल हुआ था। मामले में पुलिस ने मोहम्मद अकरम, कुलदीप जायसवाल, नीरज राठौर को गिरफ्तार कर आशिफ व अन्य साथियों की तलाश शुरू कर दी है। कल जोन 2 में कार्यरत राम बाबू आरक्षक अपने निजी कार से अपने दोस्त के साथ सिविल ड्रेस में जा रहे थे। जब वो ढक्कन वाले कुआ के पास पहुंचे तब वहां पे हंस ट्रेवल्स की बस के साथ रास्ते पर निकलने को लेके उनसे बहस हुई। बहस के दौरान मारपीट में हंस ट्रेवल्स की बस वाले स्टाफ ने आरक्षक और उसके साथी के साथ मारपीट कर दी, जिस पर यहाँ FIR कायम करके और पकड़ विवेचना में लेके आरोपियों को तुरंत गिरफ्तार किया गया है और उनके विरुद्ध वैधानिक कार्रवाई की जा रही है और प्रतिबंधक कार्रवाई भी की है। हाँ, चूंकि सिविल ड्रेस में होने की वजह से ऐसी उम्मीद है, उन्हें नहीं पता चला होगा। बाकी आरोपियों के नाम है कुलदीप जायसवाल, नीरज राठौर, मोहम्मद अकरम और आशिक व अन्य भी दिख रहे हैं उसमें, जिन्हें CCTV फुटेज के आधार पर अन्य आरोपियों को भी गिरफ्तार किया है। नहीं, अभी तो कोई रिपोर्ट हाँ नहीं। वो जो राम बाबू जी जा रहे थे उनके पीछे उनका दो सासुर भी बैठा था, दोनों सिविल ड्रेस में। पहले इन दोनों के बीच में जो वीडियो फुटेज आया उसमें दोनों के बीच में विवाद होता दिख रहा है, फिर मारपीट के वीडियो अपने जो मारपीट की धाराओं में और जो गाली गलौज की धाराओं में। हाँ, चलो टाइम न्यूज देखिए अब आपके मोबाइल और स्मार्ट TV पर। प्ले स्टोर से डाउनलोड करें टाइम स्मार्ट।